Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to install React with different package managers. जी हाँ guys, तो कल के दिन हम already React को properly install कर चुके, but आप में से बहुतों को एक problem आ रही है and that is because of burn. ठीक है, तो burn burn हाँ, by the way. So मैं बताना चाहता हूँ guys, burn जो है ना वो भी एक package manager है, वो guys Node.js का एक alternative भी and like burn like all in one all rounder kind of वो है. तो मैंने as a Node.js का alternative उसको use नहीं किया, मैंने बस एज अ पैकेज मैनेजर उसको यूज करना चाहा, else आप npm node package manager जो बाय डिफॉल्ट आप अगर node.js इंस्टॉल करते हो तो आपको मिलता है, आप yarn यूज कर सकते हो, आप pnpm यूज कर सकते हो. तो गाइस हमने पहले npm यूज करते थे, फिर बीच में हमने yarn स्टार्ट कर दी, फिर हमने pnpm स्टार्ट किया, अभी लोग बहुत सभी लोग burn यूज कर रहे हैं क्योंकि burn जो इन तीनों से बहुत फास्ट है एंड इवन npm इज ऑल्सो मच बेटर. ठीक है, तो गाइस मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था कि ये जो हमारा सीरीज होगा ये वर्ल्ड बेस्ट रिएक्ट सीरीज होने वाला, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. आप में से जिन जिन का बर्न के थ्रू प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ React.js, तो आज ये जो एक्सटेंडेड वर्जन वाला जो वीडियो है जो मैंने सोचा नहीं था बट मैं बना रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे इसको मूव ऑन करने के लिए. ठीक है, तो बेफिक्र रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस एक छोटा सा हाइफन जी ग्लोबल फ्लैग आपको लगाना था एंड सारा काम खत्म. ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे. ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं एंड अभी तक हमने दो ऑफिशियल वीडियोस को अपलोड कर चुका है जिसमें से इंट्रोडक्शन एंड देन था ये हमारा इंस्टॉलेशन. तो आज का जो वीडियो है गाइस ये थर्ड पार्ट नहीं, इट्स अ 2.1 मतलब सेकंड वीडियो का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो आप देख सकते हो जो हमारा कल का वीडियो था वो ये वाली वीडियो है, सब परफेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक जगह मैंने एक छोटी मिस्टेक क्या कर दी, जब हम बर्न को इंस्टॉल करने जा रहे थे. एंड बाय द वे ये जो बर्न है ना गाइस, मैं पहले स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया ये एक अल्टरनेटिव है Node.js का भी, एक पैकेज मैनेजर का और भी ना जाने क्या क्या, तो ये ए फास्ट ऑल इन वन जावास्क्रिप्ट रन टाइम है ये. ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करते तो इन्होंने बताया है कि पावर सेल में अगर आप ये कमांड लिखते हो तो आप बर्न बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैंने दूसरा तरीका चुना बर्न को इंस्टॉल करने के लिए एंड दैट इज बाय यूजिंग नोड पैकेज मैनेजर. तो गाइस आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है, यहाँ पे बर्न इज एन npm कॉम्पेटिबल पैकेज मैनेजर. एंड मैंने कल के दिन भी आपको दिखाया था कि हम तो React वर्जन 19 जो लेटेस्ट है वो यूज कर, क्यों ना पैकेज मैनेजर भी हम कुछ लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट यूज करें. सो फॉर दैट रीजन ओनली मैंने ये जो बर्न है ये मैंने यूज की थी. आप देख सकते हो कितना फास्ट है ये, यू नो, एंड बाकी समय में कितना देखो pnpm है, npm है, yarn है. तो गाइस yarn तो चलो अभी रहने ही दो, बट एटलीस्ट ये जो npm pnpm एंड बर्न इन तीनों में से आप किसी की मदद से भी जो हमने कल रिएक्ट का कोड लिखा था आप रन कर सकते हो. अगर आप बर्न नहीं पसंद आपको तो आप npm यूज कीजिए. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ देखिए कैसे. बस इस जगह पे एक मिस्टेक हुई थी, हम थ्रू आउट बर्न यूज कर रहे हैं, आप चाहो तो npm या pnpm यूज कर सकते हो, बट स्टिल इस जगह पे मैं बताता हूँ क्या गलती हो गई. ठीक है, अब एक चीज करना, आपने चलो कल ये कर लिया इंस्टॉल. ठीक है, अब मैंने क्या कि मैंने अभी एक दूसरा फोल्डर स्टार्ट किया है, आप देख सकते हो कि मेरा ये जो रिएक्ट अंडरस्कोर था पर मैंने कोई एक फोल्डर ओपन कर ली VS Code एडिटर में, जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि ठीक है अगर मैं यहाँ पे बर्न एंड देन हाइफन वी लिखता हूं तो अगर आपको इस तरीके से आपका वर्जन दिखाई दे रहा है इट मीन्स कि वो प्रॉपरली हर जगह आपका इंस्टॉल हो गया, कहीं पे भी आप बर्न यूज कर सकते हो. बट मुझे लग रहा है कि जब तक आपने ग्लोबल फ्लैग यूज नहीं किया होगा तो शायद आपको ये ना दिखाई दे रहा हो. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको खाली npm इंस्टॉल लिखो या तो खाली i लिख दो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बस इसका इतना हाइफन, हाँ ये एक हाइफन है एंड देन g ग्लोबल फ्लैग, मतलब ग्लोबली हर जगह आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा ये, एंड देन बर्न लिखना है, इतना लिख के एंटर हिट कर. ये लो मैंने तो मैंने भी एंटर हिट कर दी. ठीक है, वंस अगर आप ये कर लेते हो तब अब गाइस आपने क्या किया, बर्न को इंस्टॉल की विद द हेल्प ऑफ नोड पैकेज मैनेजर ग्लोबली. तो अब ये जो बर्न के कमांड से आप इसको कहीं पे भी कभी भी यूज कर सकते हो, आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस यही एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मेरा काम हो गया. अब वापस आप बर्न रन करो, ये देखो कुछ ऐसा आता है एंड बर्न हाइफन वी. ठीक है, तो ये देखो मेरे को बराबर इस तरीके से आ गया. अब कल के दिन मैं आपको वापस में रिएक्ट जल्दी से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ये एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें मैं आपको npm के थ्रू भी करके बताऊंगा. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा एंड बाकी सब स्टेप सेम है, ये जस्ट आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज है कि आपकी मर्जी आप तीनों में से कुछ भी यूज करो, क्योंकि हम तो फिलहाल अभी मिनी प्रोजेक्ट करें तो इतना कुछ डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा. ध्यान से देखिए, हम यूज करने वाले विड्थ की मदद से. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो इस पर्टिकुलर जगह पे npm install npm run dev, तो अगर आप dip यही लिख दोगे ना npm install npm run, आपका कोड रन हो चुका है, आपको बर्न की जरूरत भी नहीं, आप बिना बर्न के भी npm की मदद से कर सकते थे. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, देखो नाउ सुनाओ गाइस, अब मैं आपको फर्स्ट तरीका बता रहा हूँ अगेन विद द हेल्प ऑफ बर्न ओनली, क्योंकि कल मैंने बर्न बताया था. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, नो मैटर व्हाट
हाइफन जी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि मैंने अब लगा दिया, अब तो आपका कोई एरर नहीं आने वाला। कल की वीडियो में बहुतों को यही प्रॉब्लम आई थी, है ना। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखो मैंने बताया, मैंने कहा था ना कमेंट पर, इफ एनीवन फेसिंग इशू इंस्टॉलिंग बन देन टाइप हाइफन जी, इस तरीके से देखो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ पहले से। ये देखो यहाँ पे बन का एरर, यहाँ पे बन, ये देखो यहाँ पे बन बन बन, ये देखो मतलब मैंने कहा ना अगर कुछ भी होता तो मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं करना। तो पहला जैसे मैंने बताया बन की मदद से मैं आपको बताऊंगा, दूसरा मैं आपको npm की मदद से, तीसरा मैं आपको pnpm की मदद से भी बताऊंगा। एंड अगेन pnpm को भी वापस से आपको जैसे बन को इंस्टॉल किया वैसे pnpm पैकेज मैनेजर को भी आप वापस npm करके इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला सिंपल सा है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से, ये आपका बर्न हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ बीट पे, गेटिंग स्टार्टेड पे आना है, सिंपली थोड़ा नीचे आइए, ये देखिए आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छे से, npm है, यान है, pnpm है, एंड देन बर्न है। मैं क्या पे क्लिक कर रहा हूँ, बर्न पे, ठीक है। तो बर्न पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली चाहो तो आप ये भी कर सकते हो इस तरीके से भी। तो मैंने इस पे की कॉपी, ठीक है, सिंपल पेस्ट, तो ये क्रिएट हुआ। प्रोजेक्ट का नाम बता रहा तो मैं लिख देता हूँ रिएक्ट अंडरस्कोर बर्न अंडरस्कोर थापा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ रिएक्ट, यहाँ पे मैं चलता हूँ जावास्क्रिप्ट, खत्म, मेरा काम खत्म। आप देखो ना, आप बर्न की मदद से करो या npm की मदद से करो, आपको बता रहा है कि भाई आप ऐसे करो। तो अब यहाँ पे एक चीज है सिंपल, पहले तो आपने ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट की उसके अंदर आइए, हम आ गए उसके अंदर, आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी है यहाँ पे, देखो, ठीक है। मुझे इसको रन करना है, उसके लिए बता रहा है कि सबसे पहले आप इंस्टॉल करो जितने भी आपके डिपेंडेंसीज है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये, npm इंस्टॉल, npm रन एंड देन dev, मैंने क्या बोला हम बर्न यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ npm मैं यूज कर रहा हूँ बर्न, सिंपल bun बर्न एंड देन इंस्टॉल, मेरा इंस्टॉल हो जाएगा, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन इसको रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, npm रन dev के बदले आप चाहो तो बर्न रन एंड देन dev लिख सकते हो। यहाँ पे बस ब्यूटी ये है कि अगर आप बर्न यूज करो तो आपको रन भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप बर्न एंड देन dev लिख दो। एंड इसको मैं अब यहाँ पे चलता हूँ मेरे पीसी पे, एंड यहाँ पे लोकल होस्ट, एंड ये मेरा बन के रेडी। ये मेरा पहला तरीका था, आई होप आप तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बर्न हम एज ए नोड जेएस अल्टरनेटिव नहीं देख रहे, यहाँ पे जस्ट हम एज ए पैकेज मैनेजर उसका मैंने यूज लिया है, ठीक है, सिंपल, ऑलराइट, ये एक तरीका हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, सीडी डॉट डॉट, मैं बाहर चला गया, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। नाउ दिस इज सेकेंड तरीका, जहां पे आप अगर आपको npm की मदद से करना होता तो कैसे करते, सेकेंड तरीका विद द हेल्प ऑफ npm। आप भूल जाओ कि बर्न करके भी कुछ आपने कभी सुना है, सिंपल npm जो हमें नॉर्मल ट्रेडिशनल रिएक्ट बोल रहा है कि यूज करो। अब बस क्या करना है आपको, नोड जेएस आपने इंस्टॉल की तो नोड हाइफन बी नोड आपका इंस्टॉल है। जब भी आप नोड जेएस इंस्टॉल करते हो बाय डिफॉल्ट npm उसमें बंडल्ड होकर आपको मिलता है, मतलब बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है, तो npm हाइफन वी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि नोड पैकेज मैनेजर जो है उसमें भी आपको ये दिखाई दे रहा हो, अगर ये नहीं दिख रहा तो वापस आप नोड प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर लीजिएगा, सिंपल। ऑलराइट, वापस बीट पे आइए, बीट पे अब हम वापस क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे ये, ठीक है। तो मैंने इस पर सेलेक्ट किया, देखो अभी आ गया मुझे, मैंने की कॉपी एंड देन, मैं देखो यहाँ पे एक चीज है, अगर आप npm यूज करें तो वीट एट द रेट लेटेस्ट लेक बोल रहा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम वही चीज है, कोई ही डिफरेंस नहीं है। वापस बता रहा है रिएक्ट अंडरस्कोर npm अंडरस्कोर थापा, एंटर हिट, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट खत्म। अगर आप नोटिस करोगे आपको सेम चीज मिलने वाला है, सेम चीज, अब तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो इन्होंने बोला वही करना है। रिएक्ट पे चलिए, npm i लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि i और इंस्टॉल लिखने एक बराबर है, ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो उल्टा हो गया आई गेस, क्योंकि बन में थोड़ा सा समय लिया था लेकिन npm में जल्दी कर दिया। एंड दूसरा, वी हैव दिस npm रन एंड देन dev, npm dev करके देखते बिना रन यूज करे तब क्या होता है, देखो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, बर्न डेव कर रहा था, ठीक है। हम क्या करते हैं npm रन एंड देन dev, एंड ये मेरा काम हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो वापस से, नाउ ये जो भी मुझे मिल रहा है ये मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ क्या, नोड पैकेज मैनेजर, सिंपली npm, npm की मदद से मैंने कर लिया। अब गाइस इसको मैं वापस हटा रहा हूँ, ठीक है। अब नाउ थर्ड, अगर आपको pnpm की मदद से करना होता, अगेन इट्स अ पैकेज मैनेजर ओनली, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो pnpm है ये आपके सेकेंड नंबर पे आता है, वहीं आपका ये जो npm है ये आपके थर्ड नंबर पे आता है। एंड ये जो बर्न है गाइस अगर आप देखोगे तो ये आपके यहाँ पे कुछ इस तरीके से फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको npm दिखाया, मैंने आपको बर्न दिखाया,
तो जो मैंने बर्न के साथ किया ना सेम वो आपको पीएनपीएम के साथ करना है। इंस्टेड ऑफ बर्न बस अब आपको पीएनपीएम लिखना है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं वापस सीडी डॉट डॉट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एम के डी आई आर करता हूँ, एक डायरेक्टरी मैंने क्रिएट की जहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिएक्ट अंडरस्कोर पीएनपीएम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा तो सीडी रिएक्ट अंडरस्कोर पीएनपीएम में मैं गया, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। मैंने वापस एक नए फोल्डर पे आया, इस पर मैं वापस अब अपना रिएक्ट को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब दिस टाइम मैं क्या यूज करूंगा, पीएनपीएम। तो पीएनपीएम हाइफन वी आप लिखिए सबसे पहले, तो आपको तो नहीं मिलने वाला बट मेरा है, तो इसमें भी वही npm install globally npm, sorry npm नहीं, p npm, तो सेम वही है। यहाँ पे भी आपको ग्लोबल फ्लैग लगाना जरूरी है। मेक श्योर अगर आप डायरेक्टली VS Code Editor के थ्रू करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर VS Code Editor के थ्रू कुछ भी प्रॉब्लम हुआ इवन इन बर्न के समय भी, या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइएगा cmd, यहाँ पे जाके आप ग्लोबल इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। या तो आप यहाँ पे भी इस तरीके से npm install ग्लोबल पीएनपीएम नहीं तो बर्न आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो गाइस जाओ पावर सेल पे जाइए, विंडोज के पावर सेल, यहाँ पे सेम पीसीएफ कमांड आप लिख सकते हो। अगर यहाँ पे भी नहीं होता है तो वी हैव अ टर्मिनल, तो टर्मिनल को ओपन कीजिए, यहाँ पे आके आप लिख सकते हो। तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, बट ये जो हाइफन ग्लोबल फ्लैग है हाइफन जी ये मत भूलना आप, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने किया, आप एंटर हिट कर दीजिए, तो PNPM जो है ये अब इंस्टॉल हो गया है। सो PNPM हाइफन वी आप लिख दीजिए तो आपको देखो 9.1.2 जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब वापस सेम हुई है, यहाँ पे चलिए इस जगह पे गेटिंग स्टार्टेड, लेट्स गो विथ PNPM, कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए पेस्ट कर दीजिए PNPM क्रिएट वेट, एंड सेम वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोजेक्ट का नाम रिएक्ट अंडरस्कोर PNPM अंडरस्कोर वेट क्या लिख रहा हूँ मैं, थापा रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट सेम खत्म। ये देखो एटलीस्ट अगर आप पीएनपीएम यूज कर रहे हो तो ये आपको बताता है कि अब आप पीएनपीएम लिखिए। बर्न के केस में तो तब भी आपको वो एनपीएम ही दिखा रहा था, ठीक है। सो ऑल राइट, एंड आई गेस बर्न एंड नोड दोनों एक दूसरे के चैलेंजर्स है, सो डेट्स वाई हम तो पैकेज नोड एनपीएम के थ्रू कर रहे हैं, तो वो क्यों चाहेगा बर्न यूज करो, है ना। सो डेट्स वाई मे बी उन्होंने एनपीएम ही दिया, बट पीएनपीएम में तो आपको पीएनपीएम ही मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना है। सीडी रिएक्ट पे जाइए, पीएनपीएम आई लिख के इंस्टॉल कर दीजिए जितने भी आपके डिपेंडेंसीज होंगे। एंड बाय द वे ये भी बहुत फास्ट है, ठीक है। एंड फॉर सम रीजन देखो सबके अपने अपने करने के तरीके, कुछ आपको इस तरीके से करके दिखा रहा है। एंड बस अब आपको क्या करना है, पीएनपीएम यहाँ पे भी आप डायरेक्टली देव लिख सकते हो विदाउट राइटिंग रन, तो ये भी आपका काम हो गया। देखो या एंड कंट्रोल सी, इसको आप हटा दीजिए। एंड बाय द वे हम क्यों ये डेव लिख रहे हैं तो आपको पता है, देखो बर्न के थ्रू भी करके बताया, npm के थ्रू भी करके बताया, pnpm के थ्रू भी करके बताया मैंने। आई होप अब तो कोई डाउट नहीं है, मैंने कहा था ना ये बेस्ट सीरीज होने वाला, तीनों तरीके बता दिया। अब तीनों में एक तो आपका चलेगा, है ना, और कुछ चेंज नहीं है, बस यही डिफरेंस है। अगर आप npm यूज करो तो npm run dev लिख देना, अगर आप pnpm यूज करो तो pnpm dev लिख देना रन करने के लिए, अगर आप burn यूज करो तो burn and then dev लिख देना। आगे जब हम बिल्ड करेंगे तब तो बहुत समय उसके लिए। एंड ये भी हम इसलिए लिख रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप package.json फाइल पे जाते हो वी हैव ए स्क्रिप्ट जहाँ पे बता रहा है डेव आपको लिखना है ताकि आप उसको रन कर सको बीट को, जो भी बीट में हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। एंड ये बिल्ड तो बाद में देखा जाएगा, समझ रहे हो ना। सो या दिस इज इट। सो या फाइनली गाइस मुझे भी बहुत शांति मिल रही है ये वीडियो बना के, क्योंकि जस्ट बिकॉज एक हाइफन जी ग्लोबल फ्लैग में लगाना भूल गया था, उस चलते आप लोग आप में से बहुतों को प्रॉब्लम है, बट ऐसे फिर भी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत है थैंक यू लिखा है बहुतों ने, यस वी डिड इट थापा सर, यस वी डिड इट, मतलब इन्होंने कर लिया है। आई गेस इनको मालूम था या इन्होंने कमेंट पढ़ा होगा, तो नेक्स्ट टाइम अगर बाय चांस कुछ गलती होती है तो ये मत सोचेगा कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता चल जाता है इट जस्ट एडिट होने के बाद, फिर मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता यहाँ पे, एल्स मैं यहाँ पे कर देता। तो मैं कमेंट सेक्शन या तो डिस्क्रिप्शन में पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने पिन करके भी रखा हुआ, प्लीज आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप फाइनली जो रिएक्ट वीएस जो प्रॉपरली आपके सिस्टम इंस्टॉल हो गया होगा, इतना मैं अब आशा करता हूँ, ठीक है। तो गाइस स्टिल कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं सोच रहा हूँ कि आप जो भी कमेंट करोगे, अब हर बार तो मैं ऐसे एक्सटेंडेड वर्जन वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि सीरीज को थोड़ा सा इफेक्ट करे ना, बट स्टिल मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा जिसमें आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, तो ये है ना बहुत ही ज्यादा ऑसम। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक हर जगह शेयर कर दीजिए, वर्ल्ड बेस्ट मत लिखिए, चलो कोई नहीं आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट रिएक्ट वर्जन 19 सीरीज स्टार्टेड गाइस देखिए,
बोल के आप शेयर कीजिए, मुझे भी आप टैग कीजिए, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। हम मिलके एक दूसरे के साथ सीखेंगे, है ना। तो गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।